हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कद बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार। फ्रेंड्स, कद बढ़ाने के लिए सूखी नागौरी अश्वगंधा की जड़ को कूटकर बारीक कर चूर्ण बना लें। बराबर मात्रा में खांड मिलाकर किसी टाइट ढक्कन वाली कांच की शीशी में रखें। इसे रात सोते समय रोज 2 चम्मच गाय के दूध के साथ ले लीजिए। इससे दुबले व्यक्ति भी मोटे हो जाएंगे। कम कद वाले लोग लंबे हो सकते हैं। इससे नया नाखून भी बनना शुरू होता है। इस चूर्ण का सेवन करने से कमज़ोर व्यक्ति अपने अंदर स्फूर्ति महसूस करने लगता है। इस चूर्ण को लगातार 40 दिन तक लेते रहें। इस चूर्ण को शीतकाल में लेने से अधिक लाभ मिलता है। सावधानी, फ्रेंड्स, इस चूर्ण का सेवन करते समय खटाई तली चीज़ें ना खाएँ और जिन्हें आम की शिकायत है तो अश्वगंधा ना लें। किसी कारणवश आप ये चूर्ण नहीं ले पा रहे हैं तो सुबह व्यायाम करें। व्यायाम में ताड़ासन करना सर्वोत्तम है। ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर करके सीधे खड़े हो जाएं। दीर्घ श्वास लें, हाथ ऊपर धीरे धीरे उठाते जाएं और साथ साथ पैर की एड़ियां भी उठती रहें। पूरी एड़ी उठाने के बाद शरीर को पूरी तरह से तान दें और दीर्घ श्वास लें। इससे फेफड़े फैलते हैं और स्वच्छ वायु भी मिलती हैं। ताड़ासन करने से स्नायु सक्रिय होकर विस्तृत होते हैं। इसी कारण ये कद बढ़ाने में भी सहायक साबित होता है। 1 से 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 1 से 2 ग्राम काले तिल, 3 से 5 खजूर को 5 से 20 ग्राम गाय के घी में 1 महीने तक खाने से लाभ होता है। साथ में पद्मपक्षिमोत्तानासनम, पुल अप्स करने से एवं हाथ से शरीर झुलाने से ऊंचाई बढ़ती है। मनुष्य को अपने हाथ तथा पैरों के बल झूलने तथा दौड़ने जैसी कसरतों के अलावा भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम तथा विटामिनों की ज़रूरत बहुत आवश्यक है तथा पौष्टिक भोजन करने से लंबाई बढ़ने में फ़ायदा मिलता है। शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए चुंबकों का प्रयोग, शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए सेरामिक चुंबकों का प्रयोग कनपट्टियों पर करना चाहिए। इस प्रयोग में उत्तरी ध्रुव वाले चुंबकों का उपयोग 1 दिन में सिर के दाईं ओर तथा दक्षिणी ध्रुव वाले चुंबक का उपयोग सिर के बाईं ओर करना चाहिए। दूसरे दिन सिर के आगे और पीछे की ओर तथा सिर के अगले भाग पर उत्तरी ध्रुव वाला चुंबक तथा इसके पिछले भाग पर दक्षिणी ध्रुव वाले चुंबक का उपयोग करना चाहिए। चुंबक का ऐसा प्रयोग लगातार 3 महीने तक करना चाहिए तथा इस प्रयोग के 1 सप्ताह तक छोड़कर फिर दोबारा ये प्रयोग 3 महीने तक करना चाहिए और नियमित रूप से चुंबकित जल को दवाई की मात्रा के बराबर पीना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।